Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from E-Times TV. टीवी को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, but trust me, I think it is the most tough medium, difficult medium to act. I have always been very real on my Instagram also. I don't really fake things on my Instagram. I respect all those actors, especially TV में जो 12 घंटे शूट करने के बाद जिम जाते हैं या पहले जिम जाते हैं. Sahil, welcome to E-Times TV. Thank you so much. Thank you for having me. And how's the shooting going? During the pandemic, you guys are shooting. Any nervousness? Basically, हमने जब शो शुरू किया था, I guess हमारा पहला ही शो था जो लॉकडाउन के बाद शुरू हुआ था पिछले साल. जी. तो तब से obviously हम nervous थे. Precautions ली जा रही थी तब से. तो अभी फिर से लॉकडाउन हो गया एंड आई गेस इट वाज अ गुड डिसीजन कि हम मुंबई से बाहर आकर, हम बहुत सेक्लूडेड जगह है, यहाँ आसपास इतने लोग नहीं है और बायो बबल है, कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई अंदर नहीं जा सकता, तो बहुत सेफ मतलब सेफ जगह हम शूट कर रहे हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आ नहीं रही है. सो यार, और यहाँ भी हम पूरा ध्यान रख रहे हैं, जितनी प्रिकॉशन ले सकते हैं उतने ले रहे हैं एंड वो ये काम चलते रहना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली बहुत इस वक्त काम नहीं कर पा रहे, सो हमें फॉर्चुनेट इनफ कि हमें काम करने का मौका मिल रहा है ऐसे ऐसे पैंडेमिक में भी. सो या, हम जितनी प्रिकॉशन ले सकते हैं उतनी ले रहे हैं, वी आर शूटिंग हियर. या कहीं ना कहीं इस बात की खुशी भी है साहिल, दैट योर शो वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग द पैंडेमिक एंड कंसीडरिंग द सिचुएशन, काफी सारे शोज आए गए, बट कहीं ना कहीं फॉर्चुनेटली फॉर यू गाइज द शो हैज डन रियली वेल और लोगों को ये जो ब्यूटी एंड बीस्ट का थोड़ा यू नो थोड़ा स्टोरी लाइन था वो लोगों को काफी पसंद आया एंड इट क्लिक्ड विद द ऑडियंस. Yeah, I mean, obviously pandemic था, लोग everyone was worried कि आगे काम का क्या होगा, और basically मैंने शो लॉकडाउन से पहले साइन कर लिया था. जी. तो हम लॉकडाउन से पहले शूट शुरू करने वाले, बट देन लॉकडाउन हैपेंड, तो आई वाज स्टिल नर्वस लॉकडाउन में भी, पता नहीं शो का क्या होगा, आगे काम होगा नहीं होगा. सो आई वाज लकी कि हाँ शो शुरू हो गया अगस्त में एंड बहुत मेरे दोस्त हैं एक्टर्स जो मतलब जो काम नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ पैंडेमिक एंड दैट्स व्हाई आई फील आई एम लकी, आई एम ग्रेटफुल कि मुझे इस टाइम में भी काम मिला है एंड आई एम बिजी. और हाँ, जितना ये है कि ऑडियंस ने हमें काफी प्यार दिया बिकॉज लॉकडाउन के बाद कई शोज आए और कई बंद भी हो गए, और ऐसे रूमर्स हमारे शो को लेकर भी था कि जल्दी बंद हो जाएगा, बट वो सारे रूमर्स को हमने मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं एंड मैं हमेशा से पॉजिटिव रहा हूँ कि जो भी होगा, जैसा भी होगा, अच्छा होगा, चाहे शो कम चले ज्यादा चले, ऑडियंस ने हमें प्यार दिया था शुरू से, तो आई वॉज लाइक कि हाँ ऑडियंस कनेक्ट कर चुकी है हमारे शो के साथ. बाकी जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है हम उसमें इतना सोच नहीं सकते. मेरा काम है एक्टिंग करना, मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मैं चैनल नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक एक्टर हूँ, मैं अपना काम करूँ अच्छे से, बाकी जो होगा डेस्टिनी होगी, फेट होगी शो की, उतना चलेगा. तो मुझसे कई बार सेट पे भी लोग पूछते थे सर बंद हो रहा है, आई डोंट नो यार, अब लेट्स फोकस ऑन अ वर्क, जब होना होगा होगा. राइट. लेकिन कितनी खुशी है इस बात की कि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट था वो लोगों को बहुत पसंद आया. बेसिकली जब मैंने शो का It's not the regular sitcom ki, you know, kitchen politics ho raha hai aur wahi dikhaya ja raha hai. It was a very different story. वही मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट की थी जब मुझे इस शो का नरेशन भी मिला था कि स्पेशली मैं अगर मतलब शो तो है ही है डिफरेंट, ओमकार एज अ फ्लॉड हीरो इन इटसेल्फ इज अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर. आप बाकी हीरो से कंपेयर कर लो, नॉट द सेम हीरो, इट्स नॉट अ टिपिकल हीरो, इट्स अ फ्लॉड हीरो, तो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है. तो एज एन एक्टर मेरे पास ये मौका मुझे मिला, मुझे चैलेंज मिला ऐसा कैरेक्टर परफॉर्म करने का, और आई एम टेलिंग यू जब मैंने इस शो का ऑडिशन भी रहा मुझे लगा ये शो मेरा ही है, मुझे करना है ये शो, और वो लकीली मुझे मिल गया. मैंने 4 से 5 मॉक शूट किए, मैं 4-5 महीने मैंने वेट किया इस शो का, उसके बाद फिर लॉकडाउन हुआ, तो लगा लो मैं 7-8 महीने मैंने इस शो का वेट किया है और फिर जाके ये शो शुरू हुआ है. तो ओमकार से मेरा एक लगाव शुरू से ही आ गया था ऑडिशन नरेशन के बाद से ही, और मुझे ये शो करना था, और बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट दिस शो एंड आई हैव लिव्ड ओमकार
like till now I'm living the Omkar, the character Omkar, and I'm really happy with the character. और शो डिफरेंट था, यू नो, लड़की के फेस को स्कार कर देना छोटे पर्दे पे, आई डोंट थिंक ऐसा कभी दिखाया है. बहुत ही उसमें ये था नर्वसनेस भी थी कि कहीं बैकलैश ना मिले, यू नो, कहीं हेट्रेड ना मिले, तो वो सब चीजें भी थी. बट हाँ, ऑडियंस को पसंद आया और हमने ग्लोरीफाई नहीं किया, हमने उसके साथ मतलब यू नो ऑडियंस को सिखाया भी कि ऑब्वियसली इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू. तो हाँ, मतलब अभी तक जर्नी टचवुड बहुत अच्छी रही है. तो 200 एपिसोड पूरे होने हैं, डबल सेंचुरी मार दिए हमने, बस आज इन फ्राइडे को हम मार देंगे डबल सेंचुरी. आई एम वेरी हैप्पी, आई एम थ्रिल्ड. और हम यहाँ पे हम छोटी सी एक पार्टी भी करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे हम. या बट यू टेल मी साहिल, व्हेन यू वर नरेटेड द कॉन्सेप्ट एंड यू वर ऑफर्ड द रोल, वर यू स्केप्टिकल? बिकॉज़ यू नो एज यू सेड योर कैरेक्टर वाज ऑफ अ फ्लॉड हीरो, वर यू स्केप्टिकल? अप्रिहेंशन था कि यू नो विल द ऑडियंस एक्सेप्ट मी? मैंने उस वक्त वो सब नहीं सोचा. मैंने उस वक्त सिर्फ कैरेक्टर के बारे में सोचा कि वो कैसा कैरेक्टर है. और मुझे ऑनेस्टली टेलिंग यू, आई वांटेड टू डू समथिंग लाइक दिस. मुझे हमेशा से ऐसा कैरेक्टर चाहिए था और वो मेरे सामने था. मैंने ऑडिशन दिया, मुझे था यार आई होप मुझे. और जैसे मुझे सेकेंड कॉल आई ना मॉक शूट की, तब से मेरे अंदर था यार दिस शो इज माइन. मैं अपना 200% दूंगा ऑडिशंस में भी, मॉक शूट में भी, आई विल गिव माय बेस्ट, आई वांट टू डू दिस शो. तो मैंने ये सब इतना नहीं सोचा था कि ऑडियंस पसंद करेगी नहीं करेगी. मुझे था मुझे कैरेक्टर निभाने का मौका मिला है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, उसके बाद देखते हैं ऑडियंस पसंद करती है नहीं करती. बिकॉज वो तो जब एक बार शो ऑन एयर आएगा उसके बाद ही पता चलेगा. तो तब मेरा थॉट था कि आई वॉन्ट टू ग्रैब रोल, आई वॉन्ट टू डू दिस रोल. और फिर इन कैरेक्टर ओम कार के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है हर चीज को लेकर, उसकी लुक हो, चाहे उसका हीरोइज्म हो, चाहे उसका स्वैग हो, चाहे उसके इमोशंस हो, तो हर चीज को बहुत बारीकी से लिखा गया है. और तो आई एम जस्ट फॉर्चुनेट इनफ कि मैं मुझे ये करने का मौका मिला. एंड योर केमिस्ट्री विद रिया इज आल्सो यू नो बीन अप्रिशिएटेड. हाउ इज द बॉन्डिंग बिटवीन यू टू? एक तो सिर्फ बहुत छोटा सा सीन आया था जिसमें सिर्फ लुक 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 था और वही ऑडियंस को इतना पसंद आ गया था. दैट वाज़ द फर्स्ट सीन टुगेदर. तो तब से ही हमारी केमिस्ट्री की बहुत तारीफ होने लगी. एंड यू नो आप लोगों से कनेक्ट कर जाते हो जब वो आप ही की तरह होते हैं. ज्यादा एटीट्यूड नहीं होता, ज्यादा देयर इज नो एयर अबाउट यू नो देम. तो रिया इज वन ऑफ देम एंड दे बीइंग अ सीनियर एक्टर, शी वाज वेरी स्वीट टू मी. तो वो मेरे सजेशन लेती है, मैं उसके सजेशन, यू नो, आई अप्रिशिएट इट. एंड देयर इज नो कि यार तू क्यों बता रहा है, मैं नहीं. सो इट्स अ गुड बॉन्ड वी शेयर. एट द एंड मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यार इट्स टीम वर्क, हम दोनों मेहनत करेंगे तो वो ऑन स्क्रीन दिखेगा. सो वी डिस्कस आवर सीन्स एंड वी टेक एक्टिंग वेरी seriously, we take our job very seriously. It's not कि हाँ laid back कोई नहीं है, so that is the best thing. और मैं तो ऐसे ही बहुत serious हो जाता हूँ जब मैं set पे जाता हूँ. I'm a different person. So I want actors to be professional around me, and luckily I've got those people in this show. साहिल, अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूं, हाउ हैज बीन योर जर्नी इन द इंडस्ट्री? वॉज इट अ स्मूथ सेलिंग वन और यू हैड योर शेयर ऑफ अप्स एंड डाउन्स? It wasn't so smooth. जब मैं मुंबई आया था मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था, मैं किसी को जानता नहीं था, और मैंने स्कूल में भी कभी थिएटर या ड्रामा कुछ भी नहीं किया था. तो मुंबई आके एक रियलिटी चेक मिला था कि इतना आसान नहीं है. और मुझे भी लगता था यार मैं दो चार आज करूंगा और फिर वापस चले जाऊंगा, पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा. फिर धीरे धीरे वो आप शॉर्टलिस्ट होना शुरू करते हो. और दो साल बाद मुझे पहला शो मिला मेरा. और उससे पहले मेरे दोस्त जो बने थे मुंबई में उन सबको काम मिल गया था और मैं आई वाज द लास्ट वन टू गेट वर्क. तो आई यूज्ड टू बी सैड यार मुझे सेट पे जाने का मौका कब मिलेगा. यू नो आई हैव नथिंग टू डू, मैं सिर्फ ऑडिशंस देता हूँ और किसी दिन ऑडिशन नहीं भी होते तो घर में खाली बैठा रहता हूँ. तो आई यूज्ड टू फील बैड, पता नहीं मैं सेट पे कब जाऊँ. वो फील थी मुझे कि मुझे सेट पे जाना है यार. और फिर दो साल बाद पहला फोन जब आया, फिर जैसे ही शो मिला उसके बाद मुझे काम मिला. बट यू नो उसके बाद मैंने महाराष्ट्र देवी किया, वो भी इतना कोई मतलब आई वाज इन द लीड
फिर मैंने एक डीडी का शो किया तो लोग मुझे बोलते थे अरे डीडी का शो क्यों कर रहा है, यू नो पीपल यूज़ टू से व्हाई आर यू डूइंग अ डीडी शो, बट दैट शो पवित्र बंधन उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया. उसमें यश टोंग जी थे, यू नो यश टोंग यश सर थे उसमें. सो आई हैड अ गुड गुड एक्सपीरियंस डूइंग दैट डीडी शो. इट वाज सो बालाजी. तो उस शो से मैं बहुत कुछ सीखा. उस शो से मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ मैं एक्टिंग कर सकता हूँ. फिर उसके बाद बालाजी का ही मैंने अभ्रम राक्षस किया. अगेन अभी तक सक्सेस नहीं मिली थी, अभी तक हाँ जर्नी चल रही थी, काम चल रहा था, पर जो मैं चाहता था मुझे वो नहीं मिला. एंड वाइल डूइंग बोथ दी शोज मुझे मैं यही बोलूंगा कि स्लो एंड स्टेडी चीजें हुई है मेरे साथ, बट आई एम ग्रेटफुल कि हाँ मैंने पेशेंस थे मेरे अंदर में, विद इन मी. सो पेशेंस आई गेस वो काम कर गया. और स्वाभिमान के बाद भी ऐसा नहीं था कि जर्नी बहुत इजी हो गई, बट उसके बाद अब पीआर बेला किया, जीत गई तो पीआर में कैमियो किया. फिर मैंने एक दो पायलट किए जो बने नहीं, 6-6 महीने मैंने उनका वेट किया, बट इट डिडंट हैपन. तो अगेन आई वॉज डिसअपॉइंटेड यार कि अभी भी पायलट किया, स्टार का एक शो था, 6 महीने मैंने उस शो का वेट है, उन्होंने बोल दिया कि नहीं चैनल ने स्क्रैप कर दिया, वो सब चीजें हुई. फिर शक्ति मुझे मिला. शक्ति वॉज अ गुड एक्सपीरियंस बिकॉज शक्ति से लोगों ने मेरी एक्टिंग स्किल्स को पसंद करना शुरू किया. लाइक कुणाल एक्टिंग को काफी पसंद किया गया और उसके बाद फिर मुझे पिंजरा खूबसूरती का मिला. तो आई गेस दिस इज द बिगेस्ट शो टिल नाउ फॉर मी बिकॉज इट्स अ सोलो हीरो शो. सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पर थी. तो इट्स अ गुड फिट. दैट्स बीन माई जर्नी. इट्स बीन स्लो बट बीन स्टेडी. सो या बट यू टेल मी, जैसे आपने रिजेक्शन की बात करी कि आपके सारे दोस्तों को काम मिल गया था, हाउ वॉज दैट फेज, हाउ डिफिकल्ट वॉज दैट फेज टू यू नो ऑडिशन पे जाना, रिजेक्ट होना, वॉट केप्ट यू गोइंग, और वो रिजेक्शन फेस करना कितना दिल, कितने दिल पे वो चोट लगती थी? ये एक्सपीरियंस मुंबई में जो कोई भी आता है वो सब एक्सपीरियंस करता है. जस्ट नॉट मी वाज एक्सपीरियंसेस, ये हर एक्टर एक्सपीरियंस करता है रिजेक्शन. जी एक एक्सपीरियंस, एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ. मैं 4 शोज में शॉर्टलिस्ट था और उससे पहले मैंने कुछ काम नहीं किया था. और एक टाइम में मैं 4 शोज में शॉर्टलिस्ट था, दिवाली का टाइम था. उससे पहले मेरे को 2 शोज में हो गया कि नहीं हुआ नहीं हुआ. एंड आई वाज होपिंग कि अब तो मुझे पहला शो मिल ही जाएगा यार, 4 शॉर्टलिस्टेड. 2 में रिजेक्शन, 3 में रिजेक्शन, 4th शो में सिर्फ 2 लड़के थे. हाँ. 2 में से 1 का होना था. तो वो जो रिजेक्शन था आई वाज लाइक मेरी किस्मत में है. तो मैंने दिवाली वाले दिन अपनी टिकट करवाई. मेरा दिल्ली जाने का कोई प्लान नहीं था, बट आई वाज सो डिप्रेस्ड, आई वाज सो सैड. मुझे घर वालों के पास जाना, यू नो इट्स अ फेस्टिवल, यहाँ तो और आई विल बी डिप्रेस्ड, इट्स बेटर. तो मैंने दिवाली वाले दिन अपनी टिकट करवाई, मैं घर वापस आया और उसी के अगले दिन मेरे को फोन आता है जो जिस शो में लास्ट में जो 2 लड़कों वाला शो था जिसमें एक किसी और का हो गया था, बट किसी दूसरे कैरेक्टर के लिए दे कॉल्ड मी एंड आई वाज सिलेक्टेड. वो मेरा पहला शो था PSI ATU और वो नोएडा में ही शूट होना था. उस टाइम मैं नोएडा में ही था. और फिर उसके बाद जर्नी शुरू हुई, छोटा 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 चीजें मिलती गई. मतलब ये भी शो मिला, चाहे यू नो भाई का रोल किया. So, yeah, it has been on the job training for me. मैंने जो कुछ भी सीखा है वो सेट पे ही सीखा है. तो आई गेस जो जर्नी रही है वो मैं भी मेरा करियर शेप अप हुआ. अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है. And did you always aspire to be an actor? Always, you were always inclined towards acting? No, never. So, I was a shy kid. मैं introvert था. हाँ जब मूवीज देखता था तो मेरा मन करता था मैं भी हीरो बनूं, यू नो. तो ऑब्वियसली आप बचपन से आप सलमान खान शाहरुख खान को देख आए हो तो आपका भी मन करता है ऑन स्क्रीन ये सब करने का. बट मुझे लगता था मुझसे नहीं होगा वो, बिकॉज आई वाज शाय. मुझे क्रिकेट छुड़वा दिया. फिर एक्टिंग जस्ट हैपेंड. सो माय डैड वाज लाइक टू ट्राई कर टू यू नो जॉइन एन एक्टिंग स्कूल, पर मेरे को एक्टिंग स्कूल करने में भी डर लगता था कि यार वहाँ 20-25 लोग होंगे, मैं कैसे करूंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा. बिकॉज आई वॉज सो शाय आई कुडंट जॉइन दैट.
और बट वो एक पैंटून स्पेशलिस्ट हंट जो मेरे करियर में जो मेरे लाइफ में हुआ बेसिकली वो मैं दिल्ली विनर था उस पैन इंडिया मुंबई आए जिसमें दिशा पटनी बाट संतान ये सब थे आई वाज अ फैंस चॉइस विनर उसमें एंड सेकंड रनर अप तो उसके बाद से मुझे लगा कि हाँ मुंबई जाके ट्राई करा जा सकता है तो फिर वो जीत के जब मेरे को कॉन्फिडेंस मिला मैंने पोर्ट शूट कराया और फिर विद इन 9-10 मंथ्स में मुंबई आ गया तो बस वो बस हो गया मुझे मैंने बस ट्राई करने के लिए आया था बहुत मेरे दोस्तों को लगता था ये चाह रहा है ऐसी इवन माय फैमिली लाइक यू नो माय कजिन्स दे वर लाइक हाँ जाएगा कोई हीरो थोड़ी बन जाता है वापस आ जाएगा तो सबका ये एटीट्यूड था मुझे ये था मुझे वापस ऐसे आई डोंट वांट टू कम एज अ लूजर अगर मैं गया हूँ मुझे कुछ करके ही आना है मेरा एटीट्यूड था बट माय फादर गिव मी 2 years कि मैं 2 साल दे रहा हूँ तेरे को जो करना है कर यू वांट टू वर्क यू वांट टू पार्टी यू वांट टू चिल अप टू यू बट नॉट मोर देन दैट अगर नहीं होता तो चुपचाप यू नो कम बैक बट लकीली मेरे 2 साल पूरे होने वाले थे और मुझे पहला मिला या सो इट वर्क्ड फॉर यू वो 2 साल में या बट हाउ वाज द ग्रोइंग अप इयर्स एज यू सेड यू वर अ शाय किड तो यू नो ग्रोइंग अप इयर्स आपके कैसे थे You know, usually with, you know, when you're shy, आप हर चीज में, you know, आप participate नहीं करते, चाहे वो extra curricular activities की बात हो, आपके friends भी बहुत selective होते हैं, so you are always low on confidence. How was your growing up years? I was again, now, even now, मेरे friends बहुत कम हैं, मैं बहुत ज़्यादा friends नहीं हैं मेरे. You know, I believe in quality over quantity. मेरे साथ वो सब चीजें हैं और बचपन की बात की जाए I was always good in sports. तो वो एक sports मेरे लिए savior क्योंकि मैं उसमें अच्छा था तो I always used to participate in sports और even after coming back to school, coming back from school, शाम को cricket खेलने जाना, you know, basketball खेलना, badminton खेलना, table tennis खेलना तो इन सब चीजों में मैं हमेशा आगे रहता था because I was always good in sports. बाकी हाँ मेरे 3-4 जो दोस्त होते थे उनका तीनों आई यूज़ टू चिल और एज सच यू नो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मैंने कभी पार्ट नहीं लिया मुझे याद है मैंने एक बार 11th में कोशिश की थी मॉडलिंग एक फैशन शो का था उसमें पार्ट लेने की बट मुझे रिजेक्ट कर दिया था और आई वॉज डिसअपॉइंटेड आई वॉज लाइक कि यार मेरी बेइज्जती हो गई मुझे सेलेक्ट नहीं किया You know, it was insulting for me. Because मुझे तो लगता था मैं good looking हूँ, चाहे वो shy but you know हर इंसान को लगता है ना यार तो वो चीज मुझे उस time लगती थी but मुझे reject कर दिया. So I was disappointed. And school में तो होता है ना यार बाकी लोग क्या सोचेंगे and all that. So disappointed कि मेरे को select क्यों नहीं किया. तो इसलिए मैंने school में कभी इस चीजों में participate किया ही नहीं. एक बार कोशिश की but उसमें reject. So now that you know you are doing good on you know on television and all, but is still there reservations? अगर you know acting या roles की बात करें, जैसे आजकल OTT काफी चल रहा है, you know OTT पे काफी projects बन रहे हैं, but we know that with OTT comes you know bold scenes, bold roles. So is there any reservation for you, Sahil? कुछ है कि you know I won't do this in my career? नहीं, not really. I think if the project is good. You know, अगर genuine है उस चीज में कि हाँ अगर उसमें it's required sex scene, kissing scene, whatever it is, you know, if the script demands and लोग कैसे हैं, कौन कर रहा है, मेरे लिए वो सब चीजें matter करती है, platform कौन सा है, जी पे है तो I know कि it will be aesthetically shot, you know, it will be a demand, script की demand होगी, तो मेरे को ऐसी कोई reservation नहीं है, अगर लोग अच्छे हैं, project अच्छा है, banner अच्छा है So I don't mind doing a scene like that. And what about social media? You know, for actors, aajkal social media has become a very, you know, important part. You know, you are judged on the basis of how many followers you have. Do you take your social media, you know, game very seriously? Not really. And I have always been very real on my Instagram also. I don't really fake things on my Instagram. Obviously numbers matter these days, but मैं उन सब चीजों में believe नहीं करता. I think मेरे हिसाब से your talent is way more important than those numbers. No matter how many million followers you have, if you can't act, you can't act. As simple as that. Social media game strong हो तो अच्छी बात है. You know it always helps, but
जबरदस्ती मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं जबरदस्ती बहुत एफर्ट नहीं ले सकता किसी भी चीज में। जो स्मूथली होती है, ऑर्गेनिकली होती है चीजें, वो मैं करता हूँ। ऑब्वियसली आई पोस्ट माय पिक्चर्स फॉर माय फैंस, फॉर माय फॉलोअर्स, बिकॉज दे वांट टू सी मोर ऑफ मी। तो मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ मैं करता हूँ। हाँ, बहुत लोग मुझे लाइव आने के लिए बोलते रहते हैं, बट आई एम लिटिल शाय। मैं हर बार लाइव, मैं बहुत, मेरे फैंस को ये कंप्लेंट रहती है कि मैं लाइव नहीं आता, लाइव नहीं आता। It's just because ki wo, I am little shy, you know, interacting with people. But otherwise, I do post stories. I do reshare all those stories jo log mujhe tag karte hain, and I post pictures for my followers. But haan, zyada, and I keep it real. I don't usually fake it. But I also know that you take your fitness thing very seriously, if I'm not wrong. So, you know. What? When was the time you felt that, you know, fitness is very important and you started taking it seriously? Yeah, actually, fitness journey meri shuru to mere 12th ke baad hi ho gayi thi. But us time samajh nahi aata na, us time aapke paas itni knowledge nahi hoti diet ki. Aap exercise karte rehte ho, but aap diet follow nahi karte. You know, you just eat whatever ghar mein jo bhi bana hai, meetha hai, ye hai, wo hai, sab kha lete the. तो एक पॉइंट के बाद मुझे लगा, नहीं यार, आई नीड टू फोकस ऑन माय डाइट, आई नीड टू यू नो वॉच व्हाट आई ईट। तब से पूरी गेम चेंज हो गई। तब से एक्सरसाइज तो मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, तो फिटनेस जर्नी मेरी शुरू हो गई थी। बट हाँ, जब डाइट वाला, जब मैंने फिटनेस ट्रेनर हायर किया, जब उसने मुझे इम्पोर्टेंस बताई डाइट की, तो चीजें फिर हुई कि कैसे आपको कार्ब्स कितने खाने हैं, प्रोटीन का इंटेक कितना करना है। वो इट्स अ वो बहुत स्टडी है, साइंस बेसिकली। तो हाँ, उसके बाद जब मैंने शक्ति किया था, उससे पहले मैंने एक फोटोशूट कराया था जिसमें मैंने मीडिया को भी मीडिया भी आई थी कवर करने। तो वो मेरा बेस्ट टेप था, जब मेरे सिक्स पैक एब्स भी मुझे हमेशा से एक बार बनाने थे, लाइक आई वांटेड टू हैव दैट परफेक्ट बॉडी। उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, 6 महीने आई वॉज ऑफ शुगर, यू नो, आई वॉज नॉट ईटिंग शुगर फॉर 6 months। आई हार्डली हैड 2-3 चीट मील्स इन 6 months। आई यूज्ड टू ईट बॉइल्ड चिकन, बॉइल्ड वेजिटेबल्स in lunch, same in dinner, subah oats with water, you know, mere taste buds ko maar diya tha maine. Mere aas paas mere jo dost the wo paranthe khate the, pizza khate the, and I used to eat boiled chicken. To maine dekha hai ki mentally you need to be very strong, you know, if you decide it here, it follows. To wo 6 mahine mere liye bahut tough the, but jab wo result aaya, wo photo shoot hua, to I was very happy, you know, the hard work paid off. But being a television actor, is it very difficult to maintain that kind of body, because you guys are working 12-14 hours a day? Absolutely. You know, we shoot, matlab pinjra mein to maine 30-30 din shoot kiya hai pinjra, initial months mein. Mere ko pehli chutti 15 august ko mili, uske baad seedha Diwali pe mili, aap samajh sakte ho. I was continuously shooting. And I was shooting in Naigaon. कहीं पर तो दो-दो, तीन-तीन घंटे आपको traveling में लगते हैं once. Yeah. So obviously आपके पास या तो आप 4-5 घंटे सो जाओ, या आप उसको भी कम करके आप exercise कर लो. तो I guess sleep is very important. Sleep is like most important thing. अगर आप minimum 6 घंटे भी नहीं सो रहे, तो आप अपनी body को torture कर रहे हो. You know, आप पूरे दिन मेहनत करते हो, काम करते हो, तो फिर इसलिए कई बार जिम छूट जाता है। और पिंजरा में मेरे साथ इनिशियल मंथ्स में हुआ, बट देन धीरे धीरे जब स्केड्यूल बन जाता है, आप 12 घंटे शूट करने लग जाते हो, फिर आपको टाइम निकालना पड़ता है। तो उसके बाद फिर पैकअप के बाद मैं जिम जाता था। ऑल्दो बहुत, यू नो, यू नीड, आई रिस्पेक्ट ऑल दोज एक्टर्स, स्पेशली टीवी में, जो 12 घंटे शूट करने के बाद जिम जाते हैं या पहले जिम जाते हैं, बिकॉज ट्रस्ट मी, इट इज नॉट ईजी बींग अ लीड ऑफ द शो. You are required in every single scene. You are standing for 12 hours doing your job. Mentally, you are exhausted. But again, after that, going to the gym, it requires a lot of dedication. So, wo aapko karna hi padta. TV ko log bahut halke mein lete hain, but trust me, I think it is the most tough medium, difficult medium to act. Because it requires so much. Aap mahine ke 30 din aap 12 ghante se zyada shoot kar rahe ho. You know, and every day you get fresh scenes. आपको सुबह सीन मिलते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता प्रिपेयर करने का, आपके पास इतने डायलॉग्स बोलते हैं. सो आई वॉन्ट कि यार टीवी एक्टर्स को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, you know,
it's not easy, trust me. And being as a good actor, wo har jagah hote hai, chahe teen chahe web ho, there are good actors, there are bad actors, you know, differentiate because he is a TV actor, he is a film actor. No, agar mujhe mauka milega, so even I'll perform, you know. किसी को भी मौका मिलेगा, उस तरह का माहौल मिलेगा, आपको पहले स्क्रिप्ट मिलेगी, आपको वर्कशॉप होंगी ऑटोमेटिकली, और यू नो द थिंग बिकम्स बेटर. सो आई पर्सनली बिलीव टीवी इज द मोस्ट डिफिकल्ट मीडियम टू एक्ट. पीपल डोंट अंडरस्टैंड, पीपल डोंट रिस्पेक्ट, बट दैट इज द ट्रूथ. In fact, with this, you know, I have often heard from actors that, you know, when especially TV actors try for Bollywood, they are often being told, you know, ki TV actors ho, aap bahut zyada exposed ho, aap log ek tarike ki acting karte ho, aap ham karte ho. Ye kafi sara sunne mein aata hai. Have you ever faced such kind of criticism? Nahin, I know ye sach hai. Aisa log, ye hota hai TV actors ke saath. But main wohi bol raha hoon na. Actors, there are good actors, there are bad actors. वो हर field में है. अब being ham करने की कई बार, अब I don't know, मैं I'm a very realistic actor. I don't you know मैं बहुत ही subtle way में करता हूँ. That's my way of acting. But हाँ, कई बार बोला जाता है because TV medium is such. कई बार चीजें ऐसी लिख के आते हैं, कई बार ऐसा हमें दिखाना होता है. अब कोई हम ऐसा शो कर रहे हैं जहाँ वो रिक्वायरमेंट है, हम वो भी कर सकते हैं, हम रियल भी कर सकते हैं. वो तो हमें स्क्रिप्ट की डिमांड क्या है. तो इसलिए मौका अब मिल रहा है टीवी एक्टर्स को. एंड मृणाल ठाकुर है, राधिका मदान है, सुशांत वॉज अ वेरी बिग एग्जाम्पल फॉर अस. आई गेस अपॉर्चुनिटीज अब मिलेगी एक्टर्स को, वो परफॉर्म करेंगे. तो अभी अभी बैरियर्स खुल रहे हैं. स्टिल आई डोंट लाइक द जजमेंट जो लोग कर देते हैं ना. I really hate that. You know, basic respect should be there. We should not be looked down upon. Kare to TV actor hai. Actor is an actor. That's what my point is. You know, social media pe jo trolling hoti hai. What is your take on that? Have you ever faced such a kind of, you know, brutal comments or something like that? I have faced it in my past. बट यार कई लोगों के पास कोई काम नहीं होता करने को, वो फेक अकाउंट्स बना के कुछ भी लिख देते हैं. आई मीन आई डोंट टेक इट सीरियसली, बट हाँ समवेयर अगर बहुत ज्यादा बुलिंग आपकी हो रहा है तो इट अफेक्ट्स यू. मेरे साथ एक छोड़ दिया था बिकॉज आप नेगेटिव कमेंट्स पढ़ते रहोगे तो इट अफेक्ट्स योर माइंड ना. बट अगेन आई मीन बीइंग अ सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया पे आपको ये सब चीजें फेस करनी पड़ेगी. तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड. एंड नाउडेज आई डोंट टेक एनीथिंग सीरियसली. जिसको जो लिखना लिखते रहे, आई रियली डोंट केयर. कई बार मेरा बहुत मन करता है लेकिन यू नो टू रिप्लाई इन देयर लैंग्वेज, बट जस्ट बिकॉज आई कांट, बट आई रियली वॉन्ट टू टाइप द वे दे डू. मेरा बहुत मन करता है उनको रिप्लाई करूँ, छोड़ वाई यू नो अपने हाथ क्यों गंदे कर रहे हैं. एंड बहुत छोटी छोटी चीजों में लोग पॉइंट उठा लेते हैं. वो अपनी पर्सनल लाइफ में वो करते होंगे, बट अगर जस्ट बिकॉज एक सेलिब्रिटी ने कुछ कर दिया तो दे जस्ट नीड अ पॉइंट टू यू नो से अरे आपने ये क्यों किया. बहुत नॉर्मल लोग करते हैं यार, जस्ट बिकॉज वी आर मतलब वी आर व्हाट वी आर. बट दैट्स ओके. आई मीन दैट्स अब हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं ना. हमारे प्रोज भी बहुत है, हमें बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत लोग प्यार करते हैं. तो एक प्रोज है, तो कौन भी होंगे. सो इट्स ओके. या थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस. 200 एपिसोड्स पूरे होने वाले हैं. टेक केयर एंड बी सेफ एंड बी हैप्पी. यू टू. आप भी ध्यान रखना. थैंक यू फॉर हैविंग मी.